तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें बताओ, ट्राइंगल पी क्यू आर, क्लियर है? क्या लिखूंगा? ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। बट इसके लिए मुझे देख ही नहीं रहे तुम फिर क्या मतलब, तुम अपने करे जा रहे हो, नहीं हुआ ना, अब देख लो। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड जना, जल्दी देख, जल्दी कर। बट हो गया, एक सेकेंड। क्या T120 आ रहा है? टी अभी देखते हैं, पहले इसको निकाल रहे हैं। देखो P प्लस Q प्लस R कितना हो गया 180 यहाँ से। बट हियर वी हैव टू फाइंड एंगल R फर्स्ट, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एंगल R। अभी ये एंगल अपने पास कौन सा है? जो गिवन एंगल है वो तो PTR गिवन है भाई साहब, है कि नहीं? कितना गिवन है? 30। ये थोड़ी कंसिडर कर सकते हैं पूरा R, तो पूरा एंगल R कितना होगा? 30 × 2 यानी कितने डिग्री? 60 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना भैया, सिंस इट इज एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ये लिखना, रीजन नहीं लिखा होगा ये पक्की बात है, इसलिए जो वाइस करते हैं लाइन ही लिखी है ना, बहुत ही बढ़िया। अब ये यूज़ करेंगे है ना, एंगल पी कितना है अपना 80 डिग्री, एंगल क्यू कितना है अननोन है, एंगल आर कितना है 60 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री। 80 + 60 कितने हो गए? 140 प्लस एंगल क्यू कितना आ गया? 180। एंगल क्यू तुम्हारा क्या 40 डिग्री आ रहा है? बिल्कुल सही। अब देखो ये पूरा कितना डिग्री हो गया? 40। तो ये छोटे छोटे जो कोने हैं ये कितना डिग्री के हो गए? 20। ये भी कितना हो गया? 20। क्यों? क्योंकि इसके एंगल बोलो बाइसेक्टर है, ठीक है। अब एंगल टी क्यू आर आ गया कितना? 20 डिग्री। चलो तो तुमने एक तो निकाल दिया टी क्यू आर, इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? क्यू टी आर। तो तुम क्यू टी आर लगा लो, सिंपल। ट्राइंगल क्यू टी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी है, वो हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, करते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यू टी आर कितना है अपने पास? अननोन है, इसको एक्स मान लें। प्लस टी क्यू आर कितना है? 20। टी आर क्यू कितना है? 30 इक्वल टू 180। तो इसका यहाँ कर रहा हूँ 180 में से 50 माइनस कर दो 130, तो जो एंगल क्यू टी आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारा? 130 डिग्री। क्या ये आ रहा है तुम्हारा? मेरा 120 आ रहा है। तुम्हें मैथ्स नहीं आती या फिर तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? पता नहीं, 130 आ रहा है भैया, बुक में ही 130 है। क्या करा तुमने? 20 + 30 के 40 करे थे, अरे तुमने 20 + 30 60 कर दिए होंगे। 120 आ रहा है ना तुम्हारा? 60 करें मतलब लिखा ना, काट दिया तुमने। क्या कर रहे तुम यार, तुमने क्या ही करा? मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अब ये नोट तो